जनाब ये देखें, मामू ने आपके लिए समोसे बनाए हैं, फ्रूट है, पाइनएप्पल है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, ओ माय गॉड ये चेक कराओ, ड्राई फ्रूट भी है, ठीक है, और फलूदा भी है, और ये फैजी के लिए इमली के टेबलेट्स हैं, कमजोरी के लिए बेसिकली, इससे कमजोरी बढ़ेगी। अच्छा बढ़ेगी। भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। टुडे इज रमजान डे 3। आज का प्लान ये है कि मामू के घर अफतारी थी, ठीक है, तो उन्होंने हमें बुलाया था तो हम वहाँ पे जाएंगे। दूसरा, कल मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया अफतारी पे, माय नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ देम, और मैंने कहा था यार अफतारी पे आ जाओ, अच्छा है, जरा यू नो आके देखो, तुम भी हमारा कल्चर वगैरह सीखोगे, कुछ जॉब वाले जो फ्रेंड्स है ना वो होंगे, कल अफतारी के टाइम पे वो आएंगे तो उनके लिए भी थोड़ा सा सामान अभी पकड़ना है हमने, और उनके मामू के बच्चे के लिए भी रास्ते में हमने वो परफ्यूम मैंने ऑर्डर किया थे तो रास्ते में पकड़ना है पार्क मॉल से हमने, ठीक है, उसके बाद फिर सीधा हम चलेंगे। अभी इस वक्त हो रहे हैं 5:40 और अफतारी होगी 7:36 पे, तो अभी भी हमारे पास लाइक 1.5 घंटा पड़ा हुआ आराम से। बस ड्रिंक्स ही पकड़नी थी, मेरे दोस्त वगैरह ना वो भी कुकीज, आइसक्रीम, बकलावा, इस तरह की चीजें ला रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कोई चीजें दावत के लिए और क्या क्या चाहिए होगा। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कल के यार आप सोडा क्यों पी रहे हो, आप तो बड़ी हेल्दी प्रीचिंग कर रहे हो, फिर आप सोडे भी पी रहे हो। सबकी अपनी वॉइसेज होती है, ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा हेल्दी चीजें करता हूँ लेकिन बीच में एक थोड़ा सा गंद भी तो मचाना होता है ना, पानी भी पकड़ना है, इसको सही से तो रखो। ये लो मेरी मामा जी भी नहीं से यार, आगे तो चलो तुम, आज फिजा को पता नहीं क्यों ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, सारा मेरे में निकाल रही है, फिर मैं गुस्सा करता हूँ कितने बहुत मीन हो जाते हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या तुमने साइड पे कुछ बनाना नहीं है या फिर हम सारा इंडो पाक से करें खाना, दो डिशेस मेन वहाँ से ले लेंगे, दही भले और बना लेंगे, चलो बस सही है, वो है उसका सामान, सिंगल जो समोसे है ना वो इंडो पाक से ऑर्डर कर लेंगे खाने के साथ ही ना, चिकपी लेने नहीं, ये एक पैन पकड़ने बहुत है। बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर डन शॉपिंग, ये जो छोटा मोटा हमने सामान लेना था, बाकी अब जो हमने लेना है वो बच्चे के लिए परफ्यूम पकड़ना है हमने पार्क मॉल से, वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, बस पिकअप करेंगे, तो आई विल सी यू एट द मॉल। इधर कितना टाइम है अभी, क्या हो रहा है टाइम, थोड़ा घूम भी लेते हैं, देख लेते हैं अंदर मॉल में, क्योंकि हम सीधा हैं तो देसी बन गई, इतनी अच्छी तो लग रही हो, ये जीन्स पैंट जो पहनी होती है अजीब अजीब पिठियाँ निकाल के यहाँ पे उन्होंने, सो अच्छा नहीं ये पहन लो, इतनी अच्छी लग रही हो ट्रेडिशनल ड्रेस। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी अफतारी में तो टाइम होगा थोड़ा सा हम स्टोर इधर उधर भी देख लेंगे, बड़े से तो वैसे सेले लगी हैं, रमजान सेल पागल बना रहे हैं, 40% की ही होगी। वी हैव अ ऑर्डर पिकअप फॉर कलोन, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ, मैंने कपड़े इनके मॉल से उठा के फेंक देना बाहर, जहाँ से हम एंटर हुए थे ना वहीं पे कह रहे हैं यहाँ पे पिकअप करना है, वो देखो वहाँ से एंटर हुए थे, कहते यहाँ से उठाना है, बच्चे को शौक है आजकल ना तो उसको ये चाहिए था पोलो के ना, 3 कलोन। ये कैसी शर्ट लगती है, अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी ढीली ढीली पेंडू है, ये अच्छा है व्हाइट वाला, फिर ये देखो ये पहन लेते हैं, बुरा लग रहा मुझे, देखिए डॉक्टर फील आ रही है, डॉक्टर ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, मुकेश अंबानी स्टाइल, ये वाली शर्ट पहनी होती है और घड़ी पहनी होती है और खुली सी इसकी पैंट्स होती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने फिजा का फेवरेट कलर पहन लिया, नहीं नहीं मैं तो वैसे ही पहन रहा हूँ, मुझे इसकी फिटिंग अच्छी लग रही, फिर कभी कभी ना ऑड कलर्स होते ना वो अच्छे लगने लग जाते, फिटिंग तो अच्छी नहीं है, फिटिंग नहीं अच्छी, वो तो बाहर ज्यादा हुई है, इसको अंदर करूंगा तो अच्छी लगेगी। यहाँ पे सारा माल पड़ा हुआ है जो इंडिया में नहीं जिस तरह कपड़े पहनते लोग, ये मुकेश अंबानी स्टाइल, वो हॉस्पिटल वाले कपड़े। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि अब हम मामू की तरफ निकल रहे हैं, हम मामू के साथ जरा जाके शुगर लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या जिन्होंने बनाया है अफतारी में, बहुत चीजें सुनी है बनाई है जिन्होंने, तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई मैं, और भूख शुक हैवी किस्म की लग रही है, तो 20 मिनट का रास्ता है फिर सीधा इंशाल्लाह आपसे उधर ही जाके मिलते हैं। लेट है आओ, हम अंदर एंटर हो गए हैं, यार मामू किधर हैं, किधर हैं, ओए और पॉइंट रोजा नहीं थोड़ा पॉइंट कोई कर पकड़ लियो, पड़ गया ये क्या मेरे पीछे पड़ रहा था यार, क्या हाल है, ठीक ठाक भाई, और क्या ये बना रहा था, देखो तो सही क्या खेल रहा था गोश्त के साथ, नहीं नहीं मैं उसको सेट कर रहा था, क्या कहते व्यूअर्स, फिर आज मूसा को बेल ना दे, चल मूसा आज तेरी पिट्ठी इफ्तारी के बाद, मजेदार भाई सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पे बन गयो है, वो देखो ये टोपी क्यों पीछे की तरफ क्यों की हुई है, जनाब ये देखें, मामू ने आपके लिए समोसे बनाए हैं, फ्रूट है, पाइनएप्पल है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, ओ माय गॉड ये चेक कराओ, ड्राई फ्रूट भी है, ठीक है, और फलूदा भी है, और ये फैजी के लिए इमली के टेबलेट्स हैं, कमजोरी के लिए बेसिकली, इससे कमजोरी बढ़ेगी, अच्छा बढ़ेगी। यहाँ पे हमारे पास कोफ्ते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ पे हमारे ओए व्हाइट चिकन, व्हाइट कढ़ाई, फिर इसके बाद हमारे पास केक, और यहाँ पे मामू भी है, मामू भी है, और हमारे पास ये भी है बिरयानी, इस
रोजा है। ओहो बिरयानी भी है अंदर, अंडे भी नहीं। ओ अंडे भी है। पूरे सब्सक्राइबर हमारे खाना खा सकते हैं ना, खाना है माशाल्लाह। जी जिसके मुंह में पानी आए दूर फिटे मुंह। अच्छा अब बच्चे कह रहे हैं कि यार हमने आपका व्लॉग नहीं देखना, हमने ना रोजे से पहले। मैं क्या करता हूँ, मैं माइक के आगे ना रख रख के खाता हूँ। यार ऐसे से मैसेज आते हैं कसम से, ये मूसा ने मुझे पता नहीं किस डगर पे लगा दिया है, लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग, थैंक्स फॉर एवरीवन। इतने इतने खूबसूरत मैसेज आते हैं, कहते हैं मूसा ने किस काम पे लगा दी, लेकिन आई एम एंजॉयिंग, आई एम एंजॉयिंग। एक वाक्य सुनाओ। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, वो देख रहा होगा लाजमी, उसने मुझे मैसेज किया और मेरी कोशिश होती है मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ, अच्छे मैसेजेस जो आते हैं, जो गंदे करते हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं करता। उस बच्चे ने मुझे कहा, उसने अस्सलाम वालेकुम मामू ऐसे लिखा, मैंने वालेकुम सलाम कहा। अच्छा। और यकीन करो वो खुशी के मारे जंपे मार रहा। मैंने उसे कहा भाई क्या हो गया, कहता मुझे पहली दफा जिंदगी में किसी सेलिब्रिटी ने मैसेज किया। ओए, तेरी मेरे बंदा है। सेलिब्रिटी नहीं, नहीं भाई है, ऑफ कोर्स है भाई, आप हमारे चैनल पे आते हैं। सेलिब्रिटी वो सब छोड़ो, आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी बाहर बैकयार्ड में। बैकयार्ड में नहीं, वो ले बैकयार्ड में। तो वो उसका क्या सीन है बताओ यार, वो आप यार वो जुनैर बताओ जरा। जुनैर कौन है? वो एक है जो देख रहा है। नहीं नहीं फैजी, ओनली फैजी। ये तो घर ही बदल गया आपका यार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फिट लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हम लोग इंशाल्लाह बना रहे हैं आउटडोर किचन। हाँ जी, अब यहाँ पे फिर रज दज के शीशा पार्टी क्या कहते हैं, कोकेन पार्टी। क्या कह रहा है? Anyways, सीन ये कि ये बनाने का मकसद ये था कि यू नो धूप बहुत पड़ जाती है, गर्मियाँ आती है ना, तो एक प्रॉपर शेड बने यहाँ पे, फिर पंखा शंखा भी बंदा अंदर लगा ले। अच्छा पंखे ऊपर लगेंगे, ठीक है। पंखे लगेंगे, लाइट्स लगेंगे, ईद तक हो जाएगा रेडी। टीवी लगेगा, कोशिश पूरी इंशाल्लाह। हाँ टीवी यहाँ पे अगर लग जाए तो आउटडोर किचन आया हुआ है, लग के सेट होगा। ओ माशाल्लाह गुड, फुल टाइम पार्टी माहौल हुआ करेगा। बस फिर यहाँ पे तो जो व्लॉग्स बना करेंगे ना फिर हम, मतलब के ना यहाँ पे। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है यार, मुझे तो लगा छोटा बना रहे, मुझे लगा यहाँ तक होगा सर। नहीं मेरा वो एंड तक था। हाँ बस ये आगे हो सकता था, और लेकिन बकौल उसके कि वो शेप नहीं बननी थी। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं ये सही है, सही है। इसका फिर ये सीन है कि यहाँ पे आप टेबल वगैरह रख सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे फिर है ना शीशा पार्टी या कोई ऐसी पार्टी एंजॉय करेंगे, मतलब ईद पे गेस्ट वगैरह आए तो यू नो यहाँ पे बंदा सारी टेबल लगा सकता है, तो काफी गुड सीन हो जाएगा, मजा आएगा। गर्मियों में जो स्विमिंग के लिए स्पेशली, हाँ स्विमिंग के लिए पहले धूप में बैठना पड़ता था, ऊपर धूप पड़ती थी, अब स्विमिंग या पूल साइड पे, तो यहाँ पे बंदा अपने वो टेबल चेयर लगा ले और गुड सीन हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा औरतें जा रहे हैं और वो आएंगे मुझसे मिलने, हर बंदा कहता मिलने आना, मिलने आना, स्पेशली वो जुनैर ने आना कनाडा से, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू नो अभी जुनैर कौन है मुझे नहीं पता, इनके क्या पीछे चल रहे हैं नए नए प्रोस्पेक्ट्स फैजी के मुकाबले में। अच्छा उसने भी मुझे अभी तस्वीरें भेजी, यार फैजी को छोड़ दो, उसने भी तस्वीर भेजी कि मूसा भाई को भी दिखाएं, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। पहले तो मैंने कहा मैंने नहीं दिखानी, मैं कहा नहीं ये मेरा माल है। चलो जुनैर अभी तुम्हारा भी बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या सीन है। बॉयज एंड गर्ल्स हमने ना इसको ट्रांसफर करना है, मूसा के सूप भी पिएगा, जामे शरीफ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान व्हाट इज अमेरिकानो, व्हाट इज द सेंस, व्हाट इज पाकिस्तान। खाना फिजा उस पे कैमरा करना जल्दी से, ये लोगों को दिखाओ ना जरा कैमरा पास लाके। बॉयज एंड गर्ल्स भूख लग रही है, मेरे को छट पाई ना कोई फिर देखी। वही इफ्तारी का टाइम खुल गया है, हम हो गए हैं रेडी खाने को। खुल गया ना? एक दिन ये लो पकोड़ा टेस्ट टेस्ट, समोसा दागा दी, बहुत अच्छा समोसा ये तो। निकालना वाला थोड़ी, बहुत अच्छी साउंड कैच करता है, ऐसी भूख लगेगी ना पेट में। बच्चे की बर्थडे तो कोई नहीं, मामू ने कहा मैं बनाता हूँ, लेकिन ना डेट थोड़ी ऑफ लग रही है, 31 लिखा हुआ इस पे। 31 मांजा 31 ये 7 लग रहा है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बर्थडे है, ये 73 दादा भू बड़े हो गए। हम खाने लगे हैं मेन कोर्स, ठीक है। ये क्या है? कोफ्ता। कोफ्ता बस एक अंडा भी दे दो, और ये व्हाइट कढ़ाई चेक कराओ, ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये ट्राई करो कैसा। लो जी हिरन टेस्ट टेस्ट, मैंने खाया ना, मजे का बॉयज एंड गर्ल्स हिरन का गोश्त, उफ हिरन का मिलता नहीं है बड़ा। इधर बैकयार्ड में आ गया था ना मामू ने ना उसका गला घोट दिया, बैकयार्ड में आया था पूल में पानी पी रहा था, मैंने उसको डुबकी दे दी। 9/10 बहुत अच्छा डियर है। कोफ्ते का टेस्ट टेस्ट 8/10 व्हाइट कढ़ाई, व्हाइट कढ़ाई 9/10 बहुत मजे की। बॉयज एंड गर्ल्स भूख तो नहीं लग रही, ये देखो
Later. Boys and girls, senior के ना मामू अभी अपना enjoy कर रहे थे, चाय शाय पी रहे थे ना, तो इनके ना चाय में कोई ना प्लास्टिक या कोई वो जहर आ गया, तो जब सेलिब्रिटी भी बन जाता तो फिर जान को खतरा होता है हर वक्त। तो आपके पीछे ये जुनैर, सॉरी करेक्शन, उजैर जैसे लोग पड़े हो तो फिर तो उजैर सैफी, सैफी सैफी नहीं सॉरी क्या नाम, तो फैजी अब्दुल वदूद भी तो है अब्दुल वदूद दे दे मुझे थोड़ा दूध लाइव में कोई कहता है मामू आपके ना नजर आ रहे हैं वो निप्स नजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा अब्दुल वदूद जा दूध गंदे बच्चे बातें करते हैं। आपने वो तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है, ट्रेडमार्क वो भी पहले आधी लगाई है ना, अब कुछ अरसे में वो अब नीचे next, वाला बॉटम वाला ऐसा लगेगा। अच्छा अच्छा, they want another Q&A session. Q&A यार वो फिर अब नेक्स्ट वीक होगा, ये वीक तो बिजी है हमारा क्योंकि अभी बॉयज एंड गर्ल्स मैंने इस वीक दोबारा ह्यूस्टन जाना है। हां मसला और भी है, रोजे की हालत में मैं गंदी बातें नहीं कर सकता, ये भी मसला है। Q&A का जो आप लोग रिक्वेस्ट करें मामू के साथ वो भी हम सून करेंगे, और इस दफा हम करेंगे ज्यादा ही शुगल, ज्यादा शुगल करेंगे, शुगल वाले सवाल उठाएंगे। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और मुझे आप मामू को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। I'll see you in the next vlog.